श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के साथ साथ उनके कालचयी चरित्र से प्रेरणा लेने का संकल्प करने के लिए एक बार फिर इस पवित्र धरती काचर्यवास की उस माटी जहां भैरव सिंह जी के पसीने की बूंदें गिरी होंगी, उनके पदचिन्ह जहां आज भी कहीं पहचाने जा सकते हैं, उस माटी को चंदन की तरह अपने माथे पर धारण करने के लिए यहां आए मंच पर बैठे श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी मंच पे बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए इस छोर से लेकर उस छोर तक हजारों ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन को कहीं ना कहीं आदरणीय भैरव सिंह जी के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया था। मैं आप सबका आज इस समागम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं। मित्रों, समाज जीवन में अनेक लोग जन्म लेते हैं, लाखों साल के इस लिखित अलिखित इतिहास में अनेक चरित्रों ने जन्म लिया होगा और काल के प्रवाह में कहीं ना कहीं समाहित हो गया होगा। लेकिन राजस्थान की इस धरती में और देश के इतिहास में अनेक लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने उसी जीवन के कालखंड में अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व के ओज से, अपने चरित्र से और अपने कृतित्व से ऐसा अपने आप को कालजयी बनाया कि सदियां सदियां बीत जाने के बाद में भी आज हम सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हुए उनका जब भी स्मरण करते हैं तब रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। इस श्रृंखला में जो भगवान राम से लेकर के अब तक की श्रृंखला है, अनेक अनेक लोगों का हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन आज जब श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की जन्म शती का अवसर है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां सब एकत्रित आए, मैं ये मानता हूं कि वो जो अध्याय है, जिस अध्याय में इतने लाखों हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं, उस अध्याय में एक और नाम आज स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया है। और आज ये विशाल उपस्थिति, मैं देख रहा था गंगानगर के खक्खा इलाके से लेकर के बकासर के रतन सिंह जी तक और सुदूर पूर्वी राजस्थान से लेकर के और दक्षिणी राजस्थान तक के रात कोने कोने से ऐसे लोग जो बिना किसी बुलावे के, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी निमंत्रण के केवल और केवल अपने अजीज नेता, अपने प्रिय नेता जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया, जिनसे उन्होंने राजनीति के कह सीखी, उसे श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ आए। मित्रों, निश्चित ही जैसा राजेंद्र सिंह जी ने अभी विस्तार से कहा कि किस तरह से भैरव सिंह जी ने राजनीति की कह अनेक लोगों को सिखाई और राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के अध्याय लिखे जो आज पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी का जो मंत्र था कि हम गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करें, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सह संकल्प काम करें, जो मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर श्रद्धेय भैरव सिंह जी ने जिस तरह से प्रारंभ किया, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जीवन में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के समर्पित सरकार का नेतृत्व करें। मित्रों, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, हम सबको आज यहाँ बाबोसा की इस श्रद्धांजलि सभा में इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम सबको यहाँ संकल्प करने की आवश्यकता है और बाबोसा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग जो यहाँ एकत्रित आए हैं, हम सबको आज यहाँ से संकल्प कर जाने की आवश्यकता है कि आगामी 2023 में जब चुनाव होगा तब हम बाबोसा को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा अभिनंदन।